हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं निशांत, टीम फिजिक्स सीएलसीसी का। तो आप लोगों के जेई की रैंक को सिक्योर करने के लिए हमने एक टेस्ट सीरीज चला रखी है, डीसीएम टेस्ट सीरीज फॉर जेई। इसमें ऑलरेडी हम 5 मेजर्स जो हैं वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज के सेशन में हम मेजर 6 डिस्कस करने वाले हैं। पेपर में जो सिलेबस रखा गया है मेजर है, फुल सिलेबस रखा गया है। जिस तरह का जेई मेन में पैटर्न पे हमें पेपर मिलता है उसी तरह के यहाँ पर क्वेश्चंस रखे गए हैं, उसी लेवल के यहाँ पर क्वेश्चन रखे गए हैं। क्लियर है क्या? पेपर में वही 20 क्वेश्चन सिंगल चॉइस, 5 क्वेश्चन इंटीजर टाइप के रखे गए। तो उम्मीद है सबका पेपर अच्छे से गया होगा। डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, अ पॉइंट चार्ज कॉजेज एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ -1×10³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम टू पास थ्रू अ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ऑफ 10 सेंटीमीटर रेडियस सेंटर्ड ऑन द चार्ज। इफ द रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस वर डबल, हाउ मच फ्लक्स वुड पास थ्रू द सरफेस। बेसिक क्वेश्चन है जो हमारे पास गॉस लॉ है, उसके की पॉइंट जो उसकी बेसिक जो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट जो है उस पर यह क्वेश्चन है। तो देखना जरा कैसे। तो गॉस लॉ क्या बोलता है कि भाई ये अगर चार्ज है मान लो क्यू, इसके चारों तरफ हमने गॉसियन सरफेस मान ली, ठीक है। तो इस गॉसियन सरफेस से निकलने वाला जो नेट फ्लक्स होगा वो होगा हमारे पास क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्या? इलेक्ट्रिक फ्लक्स है बेसिकली नंबर ऑफ लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो इस सरफेस से पास हो रही है। तो अगर ये चार्ज क्यू है, मैं मान लो यहां से 100 लाइंस जो हैं इस चार्ज क्यू से निकल के इस गॉसियन सरफेस को पास कर रही हैं, मतलब इस गॉसियन सरफेस का जो फ्लक्स है वो 100 लाइंस के करेस्पॉन्डिंग है। क्लियर। अब अगर मैं इसके चारों तरफ इस रेडियस की बजाय और ज्यादा रेडियस का एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ले लूं, तो जितनी अंदर से जितनी अंदर वाले से लाइंस निकलेंगी उतनी बाहर वाले से निकलेंगी, मतलब मैं डेफिनेटली कह सकता हूं इनर वाली सरफेस का फ्लक्स और बाहर वाली सरफेस का फ्लक्स सेम होगा। क्लियर है क्या? जितना लाइंस हमारे पास इनर स्फीयर से निकली है उतनी आउटर सरफेस से निकलने वाली है। क्वेश्चन जो है वो यहां पर यही है कि भाई पहले जो रेडियस थी वो 10 सेंटीमीटर थी तो कुछ फ्लक्स दे दिया, अब इस रेडियस को डबल कर दिया तो फ्लक्स में चेंज आएगा क्या? अरे भाई नहीं आएगा। तो जितना फ्लक्स पहले पास हो रहा था उतना ही अब भी पास हो रहा होगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का, देखो जरा। तो आंसर क्या हो जाएगा कि भाई रेडियस को 10 से हमने क्या कर दिया, 20 कर दिया, तो फ्लक्स में तो चेंज आने वाला है नहीं, तो जितना पहले था उतना ही अब हो जाएगा, मतलब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर है क्या? सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस एट द ओरिजिन ओ सच दैट इट्स इक्वेटर इज वाई एक्सिस। क्लियर है क्या कि हमने डाइपोल को ऐसे रखा है कि उसका इक्वेटर जो वाई एक्सिस हो गया। साथ में एट अ पॉइंट पी फार अवे फ्रॉम डाइपोल द इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इज अलोंग पॉजिटिव वाई डायरेक्शन ओपी मैक्स एंगल अल्फा विद एक्स एक्सिस, और अल्फा के बारे में कमेंट करनी है हमको कि अल्फा का रिलेशन में से कौन सा करेक्ट है। क्लियर। तो देखें जरा कि भाई डाइपोल ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। डाइपोल जो है वो इस प्रकार रखा गया है, जैसे मान लो ये डाइपोल है, इस डाइपोल को इस प्रकार रखा गया कि वाई एक्सिस क्या हो गया, इसका इक्वेटर हो गया। क्लियर। और इस ओरिजिन से काफी डिस्टेंस दूर, मान लेता हूं मैं डिस्टेंस आर है, एक पॉइंट है पी, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला गया। क्लियर। और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वाई में आई है, तो अल्फा पूछा है, अल्फा है ये एक्स एक्सिस से एंगल। क्लियर। तो मैं पहले जनरल केस के लिए बात कर लेता हूं, उसके बाद ये वर्टिकल वाला केस भी हो जाएगा। देखो जरा कि भाई ये अल्फा है तो ये डाइपोल है, डाइपोल को अपन क्या कर लेते हैं, कंपोनेंट ले लेते हैं। तो इस डाइपोल का एक कंपोनेंट तो इधर आएगा पी कॉस अल्फा, एक इधर आएगा पी साइन अल्फा। क्लियर। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो पी कॉस अल्फा वाला डाइपोल के लिए ये पॉइंट हो गया कहां, एक्सियल पोजीशन पे। तो इस पी कॉस अल्फा वाले डाइपोल की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इधर, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 2kp cos αyr³, क्योंकि ये तो एक्सियल पॉइंट हो गया पी कॉस अल्फा के लिए। सीधा फॉर्मूला काम में लिया है मैंने। पी साइन अल्फा के लिए अगर तुम देखो तो ये इक्वेटोरियल पे हो गया, तो इसकी वजह से P sin अल्फा के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा कितना, KP sin अल्फा y r³। क्लियर। इन दोनों का रिजल्टेंट है मान लो इधर कहीं आ गया। क्लियर। E net इस डायरेक्शन से
ओपी से किसी एंगल थीटा पर, ठीक है। तुम साफ साफ देख सकते हो कि अगर मैं टेन थीटा की वैल्यू लिखूं ना, तो टेन थीटा की वैल्यू क्या लिखी जाएगी, टेन थीटा की वैल्यू हो जाएगी ये केपी साइन अल्फा बाई आर क्यू वाला कंपोनेंट अपॉन टू केपी वाला कंपोनेंट। तो टेन थीटा की वैल्यू अगर मैं देखूं तो क्या हो जाएगी ये, तो ये आएगी हमारे पास केपी साइन अल्फा बाई आर क्यू अपॉन टू केपी कॉस अल्फा बाई आर क्यू। तो ये आ गया रिलेशन टेन अल्फा बाई, ये होता है हमारे पास किसी भी जनरल पोजीशन पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारे पास ओपी वाली लाइन से जो एंगल बना रहा है थीटा और एक्स एक्सिस के साथ, या बोल दो डाइपोल की डायरेक्ट एक्चुअल डाइपोल की डायरेक्शन के साथ अल्फा दे रखा है, तो इनमें ये रिलेशन आता है। क्वेश्चन में हमसे बोला है कि भाई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो वाई डायरेक्शन में है, तो हम साफ साफ कह सकते हैं कि ये अल्फा है हमारे पास, तो थीटा की वैल्यू 90 माइनस अल्फा होगी, इजीली अल्फा का रिलेशन आ जाएगा। तो बस थीटा की जगह 90 माइनस अल्फा रखना है हमें, तो थीटा की जगह 90 माइनस अल्फा रखेंगे तो टेन 90 माइनस अल्फा मतलब कॉट अल्फा बन गया, ये कॉट अल्फा इक्वल टू हो गया टेन अल्फा बाई टू, ठीक है। कॉट अल्फा को लिख सकते हैं 1 अपॉन टेन अल्फा, तो ये हो गया हमारे पास टेन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू आ गया टू, ठीक है। तो टेन अल्फा की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास रूट टू, मतलब इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है वो सेकेंड हो जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री बोल रहा है करंट I फ्लोइंग थ्रू द लूप एस ऑन द फिगर द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर O। तो सर्कुलर R के बेसिकली हमारे पास उसकी वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड पूछा है। तो देखो कोई भी सर्कुलर R जो कि सेंटर पे एंगल बना रहा है थीटा, करंट है उसमें I, उसकी वजह से उसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आती है वो आती है म्यू नॉट I थीटा अपॉन 4 पाई R। इस फॉर्मूले को काम में लेके रिजल्ट है, स्टैंडर्ड रिजल्ट है, हमने पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो इस रिलेशन को हम काम में लेके इजीली यहां मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। तो देखें जरा निकालते हैं भाई, देखें तो अगर मैं इस आर्क की अगर बात करूं तो ये अगर तुम देखो तो ये सेंटर पे हमारे पास 3 पाई बाई 2 बना रहा है, तो इसकी वजह से यहां मैग्नेटिक फील्ड की अगर डायरेक्शन देखी जाए तो इनसाइड द प्लेन आएगी, इस आर एस SR वाले की वजह से भी इनसाइड द प्लेन आएगी, मतलब दोनों की वजह से ऐड होने वाला है। तो बस ऐड होने वाला है, तो इनसाइड इनसाइड वाले ऑप्शन 1 और 3 में से आंसर आने वाला है। क्लियर, वैल्यू निकालते हैं। तो पहले तो इसके लिए देखो जिसका एंगल 3 पाई बाई 2 बन रहा है इसकी वजह से अंदर कितना आएगा, तो ये आएगा म्यू नॉट आई थीटा की वैल्यू हो गई 3 पाई बाई 2 अपॉन 4 पाई आर। ये तो आ गया इस पीई की वजह से। अब SR वाले की वजह से निकालते हैं, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड ये भी अंदर आ रहा है, तो प्लस म्यू नॉट आई इसका एंगल कितना है पाई बाई टू अपॉन 4 पाई रेडियस, रेडियस जो है सेक्शन की 2R है, तो ये आ गया हमारे पास नेट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द प्लेन। अब बस ऐड कर लेते हैं इनको, तो देखो पाई से पाई गया, ये हो गया हमारे पास 3/8, तो म्यू नॉट आई 3/8R प्लस पाई से पाई गया, ये हो गया हमारे पास 16, तो म्यू नॉट आई अपॉन 16R, इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीपल कर देता हूं तो ये हो गया 6, ये हो गया 16, तो आ गया 7/16, मतलब फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारे पास वो करेक्ट आंसर हो जाएगा 7/16 म्यू नॉट आई अपॉन आर। क्लियर है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखें जरा। 4 क्या बोल रहा है, द सिस्टम शोन इन द फिगर कैन मूव on a smooth surface, the spring is initially compressed by 6 cm and then released. What will be the time period of this oscillation? Clear है क्या? इस system के लिए हमारे पास क्या है कि ये system जो है oscillation जो करेगा उसका time period हमें यहाँ पर बताना है। Clear है क्या? तो देखिए, two block system standard system है, हमें पता है इस तरह के system का time period अगर हम निकालें, तो ये mass है m1 जो कि spring से connected है, ये mass m2, इसमें अगर कंप्रेशन देके इसको छोड़ दिया जाए तो ये सिस्टम ऑसिलेट करेगा, जिसका टाइम पीरियड आता है हमारे पास 2 पाई अंडर रूट म्यू बाई के, म्यू जो होता है यहां पर रिड्यूस्ड मास, जिसकी वैल्यू होती है m1 m2 बाई m1 प्लस m2। क्लियर, तो डायरेक्ट हम रिलेशन से टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। तो देखो क्या आएगा, ये आएगा 2 पाई अंडर रूट म्यू की बात अगर करें तो वो हो जाएगा हमारे पास 3 × 6 / 9, मतलब ये तो आ गया 2 kg।
भाई के, के की वैल्यू जो हमें दे रखी है स्प्रिंग कांस्टेंट की, वो 800 दे रखी है। तो ये आ गया 2 से, ये गया 400 बच जाएगा, तो ये बच जाएगा 2π/20, मतलब π/10 सेकंड जो है इसके ऑसिलेशन का टाइम आने वाला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, बोला द ट्रुथ टेबल फॉर द फॉलोइंग लॉजिक सर्किट इच। इस लॉजिक सर्किट के लिए हमें करेक्ट ट्रुथ टेबल बतानी है। तो पहले तो जरा इसको हम सिंप्लीफाई करके इसके आउटपुट जो निकल रहा है, आउटपुट का एक्सप्रेशन निकाल लेते हैं। तो देखो ये हमारे पास ए है, ठीक है, यही ए इनपुट यहां पर पहुंचा है, ये यहां पर बी पहुंचा है, इधर से यहां पर बी पहुंचा, तो नॉट गेट बी बार कर देगा, यहां पर ये नॉट गेट ए बार कर देगा, ये एंड गेट मल्टीपल करा देगा, तो यहां आएगा ए बार बी, इधर से आएगा ए बी बार, और गेट एड कर देगा, तो आउटपुट की वैल्यू आ गई ए बार बी प्लस ए बी बार। तुम्हें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इफेक्टिव आउटपुट जो आया है ना, वो हमारे पास एक्सोर गेट का आया है। और एक्सोर गेट में क्या होता है, एक्सोर गेट हमारे पास क्या करता है, जब भी आइडेंटिकल सिग्नल आते हैं तो हमें नल इनपुट, नल आउटपुट देगा, और जब दोनों को दोनों डिफरेंट सिग्नल जब हमारे पास आएंगे तो वहां पर क्या देगा, वो हाई आउटपुट देगा। मतलब वो ट्रुथ टेबल आएगी जिसमें 0 1 या 1 0 होने पर 1 आए, क्लियर। तो ऐसा ऑप्शन हमारे पास फर्स्ट साफ साफ दिखाई दे रहा है, एक्सोर गेट के लिए ट्रुथ टेबल होती है, तो 5 का करेक्ट आंसर आ जाएगा फर्स्ट, क्लियर है क्या। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जरा, क्वेश्चन नंबर 6, बोला अ 20 सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रिंग हैविंग अ मास 1 ग्राम इज फिक्स्ड एट बोथ द एंड्स, द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज 0.5 न्यूटन, द स्ट्रिंग इज सेट इनटू वाइब्रेशन यूजिंग एन एक्सटर्नल वाइब्रेटर ऑफ फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज, फाइंड द सेपरेशन इन सेंटीमीटर बिटवीन द सक्सेसिव नोड्स। तो देखो 2 एंड्स पे फिक्स जो है हमारे पास किसी स्ट्रिंग में अगर स्टैंडिंग वेव बनाई जाए तो वो इस तरह की हमें, ठीक है, इस तरह की स्टैंडिंग वेव मिलने वाली है। तो टू सक्सेसिव नोड्स के बीच का जो ये सेपरेशन होता है, ये होता है हमारे पास λ/2। तो बेसिकली हमें लैम्डा निकालना है यहां पर, क्लियर है क्या। फ्रीक्वेंसी हमें पता है, वेव के लिए हम रिलेशन लिख सकते हैं v=f λ, और v की वैल्यू हमें टेंशन दे रखा है, मास दे रखा है, तो हम बोल सकते हैं √T/μ। म्यू क्या है, मास पर यूनिट लेंथ, एफ पता है, लैम्डा इजीली यहां से आ जाएगा। तो वैल्यू रखते हैं, देखो तो टेंशन कितना दे रखा है, टेंशन दे रखा 0.5 न्यूटन, म्यू की वैल्यू हो जाएगी मास पर यूनिट लेंथ, तो मास दे रखा है 1 ग्राम मतलब 10^-3 kg / लेंथ 20 सेंटीमीटर मतलब 1/5 मीटर, तो मास अपॉन 1/5, ये तो आ गया हमारे पास वी इक्वल टू एफ दे रखा है 100 λ। तो देखो ये कितना बन गया, ये 1/5 जो यहां से ऊपर चला जाएगा, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 0.5 × 10^-3 इंटू 1/5, 5 से ये गया, तो ये बच गया हमारे पास नीचे, हाँ ये हो गया हमारे पास, ये बच जाएगा 1/10^-2 का रूट इक्वल टू 100 λ, ठीक है। रूट लेंगे, ये ऊपर जाएगा, 100 हो गया तो 10, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई यहां से 1/10 मीटर, क्लियर। सेंटीमीटर में बात करूं तो लैम्डा हो गया हमारे पास 10 सेंटीमीटर। अब लैम्डा 10 सेंटीमीटर है, सक्सेसिव नोड्स के बीच की जो सेपरेशन है वो λ/2 है, मतलब 5 सेंटीमीटर हमारे पास उनके बीच का करेक्ट आंसर हो जाएगा सेपरेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखें जरा, क्वेश्चन नंबर 7 देखें, क्वेश्चन में क्या बोला, अ स्मॉल बॉडी इज प्रोजेक्टेड With a velocity of 20.5 meter per second on a rough horizontal surface, the coefficient of the friction mu between the surface changes with time above by this graph. Clear? The velocity at the end of 4 seconds will be. 4 seconds के बाद में velocity पूछी है, कोई दिक्कत नहीं है, easily कर सकते हैं इसको, देखें जरा। हाँ भाई, तो हो क्या रहा है कि ये पार्टिकल है इनिशियली जा रहा है v इनिशियल रफ्तार से, ठीक है, और जब ये मूव करेगा तो इस पे पीछे की तरफ काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा f के, जिसकी वैल्यू हो जाएगी μkmg, क्लियर। हॉरिजॉन्टल में और कोई फ्रिक्शन और कोई फोर्स आ नहीं रहा, ठीक है भाई, तो इसके मोमेंटम में जो चेंज कराने वाला है वो यही फ्रिक्शन है। तो मैं कह सकता हूं कि चेंज इन मोमेंटम अगर इसका लिखा जाए ना, तो वो लिखा जाएगा dp = -fkdt,
क्योंकि ये जो फ्रिक्शन जो है वो मोशन के अपोजिट में लग रहा है, तो डेफिनेटली मोमेंटम को डिक्रीज कराएगा। एफ के की वैल्यू लिखी जा सकती है म्यू के एम जी डी टी, क्लियर? ठीक है, तो चेंज इन मोमेंटम का रिलेशन आ गया। डीपी को हम लिख सकते हैं एम डी वी, चेंज इन वेलोसिटी इक्वल टू माइनस एम जी म्यू के डी टी, क्लियर? टी इक्वल टू जीरो पे वेलोसिटी वी इनिशियल, टी इक्वल टू फोर सेकेंड पे वेलोसिटी बी फाइनल, जो कि हमें कैलकुलेट करनी है मास से मास गया, तो बी फाइनल माइनस वी इनिशियल की वैल्यू आ गई माइनस जी इंटीग्रेशन जीरो से फोर म्यू के डी टी। अब ये म्यू के डी टी क्या है? ये म्यू के डी टी का जीरो से फोर में इंटीग्रेशन मतलब म्यू का टाइम के साथ जो ग्राफ दे रखा है ये एक्चुअल में फोर नहीं, जीरो पॉइंट फोर है, क्लियर? कि म्यू का टाइम के साथ जो ग्राफ दे रखा है इसका हम क्या ले ले, एरिया ले ले, तो वो इंटीग्रेशन म्यू डी टी की वैल्यू दे देगा। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास b फाइनल माइनस v इनिशियल की वैल्यू है 20.5 इक्वल टू g की वैल्यू माइनस g की वैल्यू 10। ठीक है, इसका एरिया कैलकुलेट किया जाए तो ये पूरा का पूरा एरिया आ जाएगा हमारे पास 14.5। इजीली यहां से क्या निकाला जा सकता है, हमारे पास ये एरिया आ जाएगा हमारे पास 1.45। कैलकुलेट कर लेना, मैंने कर लिया कैलकुलेट, है ना, 1.45। तो इजीली यहां से तुम्हारा जो b फाइनल जो है वो कैलकुलेट किया जा सकता है। तो B फाइनल की वैल्यू आ गई 20.5 माइनस 14.5 या बोल दो 6 मीटर पर सेकेंड। तो 4 सेकेंड के बाद में ये जो हमारे पास पार्टिकल जो है, बॉडी जो है, इसकी वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। ये तो हमने मोमेंटम से देख लिया। तुम चाहो तो इसको काइनेमेटिक्स से भी सॉल्व कर सकते हो, बट बात वही है कि यार म्यू जो है वो तीनों के तीनों रीजन में, इसमें इसमें और इसमें, तीनों में अलग अलग फंक्शन से वेरी कर रहा है, तो थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। इस तरह से थोड़ा सा कम कैलकुलेशन के साथ हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जरा। बोला टू ब्लॉक्स ए एंड बी ऑफ मास 2m एंड m रेस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड बाय अ मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। द होल सिस्टम इज सस्पेंडेड बाय अ मासलेस स्प्रिंग एज शोन इन द फिगर। द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ए एंड बी इमीडिएटली आफ्टर द स्ट्रिंग इज कट। क्लियर, देखना जरा कि अभी तो ये जो है सिस्टम इक्विलिब्रियम में सस्पेंडेड है, तो इस स्ट्रिंग में अगर मैं टेंशन की बात करूं तो यहां टेंशन होगा एम जी। स्प्रिंग में अगर देखूं तो स्प्रिंग में ऊपर की तरफ एक्सपेंशन की वजह से स्प्रिंग जो है ए पर फोर्स लगा रही होगी 3mg। क्लियर, जैसे ही आप इस स्ट्रिंग को कट करोगे तो स्ट्रिंग का क्या होता है, स्प्रिंग और स्ट्रिंग में दोनों में डिफरेंस क्या है समझना, कि भाई जैसे इस स्ट्रिंग को मैं यहां से कट करूंगा तो स्ट्रिंग का टेंशन तो हो गया जीरो, बट स्प्रिंग का जो फोर्स है वो इनर्सिया की वजह से सडनली चेंज नहीं होता। क्लियर है क्या? तो स्ट्रिंग के कट होने के बाद बी पे अगर बात की जाए तो इस पे केवल लग रहा होगा नीचे की तरफ एम जी, टेंशन हो गया जीरो। लेकिन अगर मैं एक ही बात करूं 2m वाले मास की, तो स्ट्रिंग कट करने के जस्ट बाद में भी स्प्रिंग में 3mg ही लग रहा होगा ऊपर की तरफ। तो एक्सेलरेशन अगर देखा जाए तो देखो 3mg ऊपर, इसका वेट 2mg नीचे, तो नेट फोर्स हो गया ऊपर की तरफ mg, तो mg अपॉन 2m, तो a की वैल्यू आ जाएगी इसका ऊपर की तरफ g/2। इसके लिए बात करें तो इसका एक्सेलरेशन mg से इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा g, तो a और b के एक्सेलरेशन जो रेस्पेक्टिवली हो जाएंगे g/2, g, मतलब थर्ड ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जरा, क्वेश्चन नंबर 9। क्या बोला है? अ रॉड इज स्लाइडिंग डाउन कीपिंग इन टच विद अ स्मूथ इंक्लाइन वॉल एंड अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस एज शोन। एट द इंस्टेंट शोन स्पीड ऑफ द पी इज √2 m/s। इस एंड पी की जो स्पीड है वो √2 m/s दे रखी है, क्यू की पूछी है। तो देखो इजीली हम कंसेंट से बोल सकते हैं कि अलोंग द रॉड जो पॉइंट्स की वेलोसिटी के कंपोनेंट होंगे अलोंग द रॉड वो क्या होंगे, सेम होंगे। तो देखो ये जो पी है वो इधर जा रहा है √2 से, मैं मान लेता हूं क्यू जो है वो इधर जा रहा है वी से, तो हम इनके क्या करना है, हम अलोंग द रोड इनके कंपोनेंट इक्वल करने हैं। तो देखो ये 30 है तो ये भी 30, ये 30, ये 105, तो ये हो जाएगा 45। तो इसका अलोंग द रोड कंपोनेंट आएगा वी कॉस 45 मतलब वी बाई √2, इसका इधर कंपोनेंट आएगा √2 cos 30। क्लियर, तो वी बाई √2 और ये इक्वल होने चाहिए, तो यहां से वैल्यू क्या आ गई, देखो
तो ये वैल्यू आ गई अपने पास रूट टू इंटू रूट टू, ये खत्म, तो v की वैल्यू आ गई रूट थ्री मीटर पर सेकेंड, मतलब सेकेंड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखें जरा। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला, अ कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस r इज लॉर्ड इनटू अ लिक्विड ऑफ सरफेस टेंशन t एंड डेंसिटी रो, गिवन एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट इज जीरो, देन वर्क डन बाय द सरफेस टेंशन। क्लियर? कि एक कैपिलरी है जिसमें हमने क्या किया, जैसे ही इसको लिक्विड में डुबाया तो इसमें h हाइट तक लिक्विड राइज कर गया। h की वैल्यू हमें पता होती है 2t cos थीटा अपॉन रो जी आर, जहां r जो है वो है ट्यूब की रेडियस, cos थीटा में थीटा क्या है कॉन्टेक्ट एंगल, कॉन्टेक्ट एंगल को इसने जीरो बोला है तो ये तो हमारे पास क्या हो गया cos थीटा cos जीरो हो गया। क्लियर? तो हाइट तो आ गई 2t अपॉन रो जी आर। ठीक है, अब वर्क पूछा है तो देखो सरफेस टेंशन लग कैसे रहा होगा, यहां जो सरफेस बन रही होगी ये पूरी की पूरी ये सेमी स्फीयर बन रही है, क्यों, क्योंकि कॉन्टेक्ट एंगल जीरो बोला है। तो सेमी स्फीयर की अगर तुम देखो तो हर जगह इधर लग रहा होगा सरफेस टेंशन का फोर्स वर्टिकली अपवर्ड, तो सरफेस टेंशन का फोर्स ऊपर कितना हो गया टी इंटू बाउंड्री की लेंथ टू पाई आर, तो ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है टी इंटू टू पाई आर, और ऊपर की तरफ डिस्प्लेसमेंट आया है एच, तो सरफेस टेंशन का वर्क कितना हो गया, तो सरफेस टेंशन का वर्क हो गया एफ एच। अब वैल्यू रख दो बस, एफ की वैल्यू है 2 पाई आर इनटू टी, एच की वैल्यू है 2 टी अपॉन रो जी आर, तो आर से आर गया तो ये बन गया 4 पाई टी स्क्वायर बाय रो जी, तो 4 पाई टी स्क्वायर बाय रो जी सेकंड जो है इसका वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जरा। क्वेश्चन 11 में बोला है अ स्क्वायर गेट ऑफ साइज 1 मीटर इनटू 1 मीटर, ये स्क्वायर शेप का हमारे पास गेट है 1 इनटू 1 मीटर है साइज का, इट हिंज एट इट्स मिड पॉइंट अ फ्लूइड ऑफ डेंसिटी रो फिल्स द स्पेस टू द लेफ्ट ऑफ द गेट, इधर रो डेंसिटी का लिक्विड भरा हुआ है, द फोर्स एफ रिक्वायर्ड टू होल्ड द गेट स्टेशनरी इज इग्नोर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्यों क्या भाई, इधर जो लिक्विड भरा हुआ है वो इस पूरे के पूरे गेट पर फोर्स लगाएगा राइट की तरफ, और ये जो है वो हिंज है सेंटर पे, तो सीधी सी बात है ट्रांसलेटरी मोशन तो कर नहीं सकता। अब इसको रोटेशन को भी ब्लॉक करने के लिए, कि रोटेशन भी ना करे, उसके लिए एफ की वैल्यू पूछी है। क्लियर? तो हम क्या करें, हम लिक्विड की प्रेशर की वजह से जो इस पे टॉर्क लग रहा होगा, क्लियर, लिक्विड के प्रेशर की वजह से यहां अगर तुम देखो तो यहां प्रेशर कम है, तो यहां जो टॉर्क प्रेशर यहां फोर्स कम होगा। क्लियर? तो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता जाएगा फोर्स बढ़ता जाएगा और ज्यादा बढ़ता जाएगा। क्लियर? बढ़ता जाएगा तो नीचे वाले पोर्शन में अगर तुम देखो तो फोर्स ज्यादा लग रहा होगा तो उसका टॉर्क आएगा एंटी क्लॉकवाइज, उसको बैलेंस कराने के लिए हमने एफ लगाया है ताकि जो टॉर्क है वो क्लॉकवाइज में इसको बैलेंस कर दे, तो इसमें एफ की वैल्यू पूछी है। तो सीधा सीधा सा करना क्या है, पहले तो मैं लिक्विड का टॉर्क निकाल लेता हूं मैं इस हिंज पॉइंट के अबाउट, उसको मैं एफ के टॉर्क से बैलेंस करा दूंगा। क्लियर? तो देखें जरा। हाँ भाई, तो ये हमें गेट दे रखा है, ठीक है, यहां इंज है, ये लिक्विड भरा हुआ है यहां तक, तो मैं क्या करता हूं यहां से किसी वाई हाइट पर ये डी वाई थिकनेस का इस पे एक एलिमेंट ले लेता हूं। ठीक है, तो इस गेट पे अगर मैं देखूं तो गेट के लिए ये एक्चुअल में गेट जो है वो इस तरह की सीट है पूरी की पूरी। गेट के लिए अगर मैं बात करूं तो गेट में देखो ये एरिया हो गया इस सेगमेंट का, जिसकी ये लेंथ कितनी है 1 और ये लेंथ कितनी है dy, तो एरिया हो गया इसका dA इक्वल टू 1 dy। क्लियर? यहां y डेप्थ पे प्रेशर जो लिखा जाएगा वो हो जाएगा प्रेशर, एटमॉस्फेयर को इग्नोर करना है तो ये हो जाएगा रो जी h से रो जी y के इक्वल हो जाएगा, तो प्रेशर यहां कितना हो गया रो जी y। इस प्रेशर की वजह से इस dA पे इधर की तरफ क्या लग रहा होगा, फोर्स लग रहा होगा, बेसिकली ऐसा है इस जगह पर इधर फोर्स लग रहा होगा डीएफ। क्लियर? क्लियर? तो डीएफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, डीएफ की वैल्यू हो जाएगी पी डी ए। क्लियर? सेंटर ऑफ मास के, सॉरी मिड पॉइंट के अबाउट अगर मैं टॉर्क देखूं तो देखो ये हमारे पास लेंथ है वाई, ये लेंथ है हमारे पास कितना 1/2, क्योंकि मिड पॉइंट है तो ये हाइट कितनी हो जाएगी, ये हाइट हो जाएगी वाई माइनस 1/2,
तो हिंज पॉइंट के अबाउट इस पे जो लगने वाला टॉर्क है वो कितना हो जाएगा, डी एफ इंटू वाई माइनस हाफ, ठीक है। तो टॉर्क की वैल्यू हो गई, ये हो गई डी एफ इंटू वाई माइनस हाफ। तो ये एक एलिमेंट के लिए टॉर्क लिख लिया हमने कि भाई किसी भी वाई डेफ पे जो टॉर्क लग रहा है फ्लूड के प्रेशर की वजह से मिड पॉइंट के अबाउट वो इतना है। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूं 0 से लेके 1 मीटर की डेप्थ के लिए तो लिक्विड की वजह से जो लगने वाला प्रेशर टॉर्क है वो पूरा का पूरा टॉर्क आ जाएगा। तो देखो पूरा टॉर्क निकालते तो टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी ए की डी एफ की वैल्यू रख दो तो पी है रो जी वाई इंटू डी ए, डी ए है हमारे पास डी वाई, ये तो हो गया फोर्स इंटू वाई माइनस हाफ, ये आ गया टॉर्क। इसका इंटीग्रेशन करना है 0 से 1 मीटर की डेप्थ तक, क्लियर। तो टॉर्क आ गया हमारे पास रो जी वाई स्क्वायर माइनस वाई वाई टू डी वाई 0 से 1, तो टॉर्क की वैल्यू आ गई रो जी, ये हो जाएगा वाई क्यूब वाई थ्री मतलब 1/3, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर वाई टू तो वाई स्क्वायर वाई फोर 1/4, तो टॉर्क की वैल्यू आ गई रो जी वाई 12, क्लियर है क्या। ये टॉर्क आया है किसकी वजह से, लिक्विड की वजह से, क्लियर। अब इस टॉर्क को बैलेंस कराने के लिए हमने इधर फोर्स लगाया F यहां से हाफ मीटर की डिस्टेंस पर, तो इसका टॉर्क कितना हो जाएगा F into half, इस पॉइंट के अबाउट, तो F into half जो है इसने रो जी बाई 12 को बैलेंस किया होगा, तो रिक्वायर्ड फोर्स की वैल्यू आ गई रो जी बाई 6, इतना फोर्स जो है वो हमें यहां लगाना पड़ेगा, क्लियर है क्या। तो ऑप्शन मैच करते हैं हम जरा, तो देखिए रो जी बाई 6 जो हमारे पास थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जरा, क्वेश्चन नंबर 12 में बोला है एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस अंडरगोज अ साइक्लिक प्रोसेस ए बी सी एज शोन इन द फिगर, द रेशियो ऑफ द हीट एब्जॉर्ब ड्यूरिंग ए बी टू द वर्क डन ऑन द गैस ड्यूरिंग बी सी, क्लियर है क्या कि ए बी की तो हीट लेनी है तो क्यू ए बी क्या रेशियो हमें निकालना है टू द वर्क डन ऑन द गैस बाय ड्यूरिंग बी सी, बी सी में जो गैस पर वर्क हुआ है उसका रेशियो निकालना है, ठीक है। तो देखो जरा, तो क्यू ए बी की अगर मैं बात करूं तो ए बी में वी प्रोपोर्शनल टी है मतलब पी इक्वल टू कॉन्स्टेंट का ग्राफ है, आइसोबारिक प्रोसेस, और आइसोबारिक प्रोसेस में अगर हीट लिखी जाए तो वो हम लिख सकते हैं एन सी पी डेल्टा टी, मोनोटॉमिक गैस के लिए आ जाएगा एन 5RY2 डेल्टा टी, डेल्टा टी की बात करें तो टी नोट से 2T नोट में गया है तो टी नोट, ये तो आ गया क्यू ए बी, क्लियर। डब्ल्यू बी सी की अगर बात करें तो माइनस BC को अगर तुम ध्यान से देखो तो ये हमारे पास किया है, ये हमारे पास है आइसोथर्मल प्रोसेस T इक्वल टू कॉन्स्टेंट का ग्राफ, तो इसका वर्क लिख सकते हैं एन आर टी एल एन वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल, तो वी फाइनल कितना है वी नॉट, वी इनिशियल है 2V0, तो वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल, इससे ये गया। तो ये वैल्यू क्या आ गई, देखो एनआरटी से एनआरटी तो गया ऊपर तो बच गया 5/2, नीचे बच गया माइनस का 2 एल एन, अब एल एन हाफ है इसको अगर हम लिखें तो एल एन 2 माइनस खत्म, तो ये वैल्यू आ गई 5/4 एल एन 2, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जरा, क्वेश्चन नंबर 13 में बोला अ सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर हैविंग अ चार्ज क्यू इज सराउंडेड बाय एन अनचार्ज कंडक्टिंग कॉन्सेंट्रिक कंडक्टिंग होलोस्फेरिकल सेल, लेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द सर्फेस ऑफ द सॉलिड स्फीयर एंड दैट ऑफ द आउटर सर्फेस ऑफ द होलो सेल वी वी, if the cell is now given a charge of -3q the new potential difference between the same two surfaces is, ठीक है कि भाई एक तो है सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर जिस पे है चार्ज q, इसकी रेडियस मैं मान लेता हूं a, इसी के कॉन्सेंट्रिक हमारे पास क्या है एक अनचार्ज स्फीयर है जिसकी रेडियस है b, इसकी और इसकी सरफेस ये 1 पॉइंट और ये 2 पॉइंट इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस v दे रखा है, तो देखो अगर मैं v1 देखूं तो v1 - v2 अगर मैं लिखूं तो v1 की वैल्यू q की वजह से क्या आएगी k q by a, v2 की वैल्यू आएगी k q by b, ये जो डिफरेंस है ना ये तो मैं v दे रखा है। अब बोला है कि आउटर स्फीयर को भी हमने चार्ज दे दिया, आउटर स्फीयर को भी हमने चार्ज दे दिया और चार्ज दिया -3q, अब एक चीज तो क्लियर है इस -3q का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो बाहर बाहर होने वाला है, यहां इसके इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा क्योंकि इस सेल का इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर तो होने से रहा, तो -3q का इलेक्ट्रिक फील्ड जो केवल बाहर है, यहां इसका कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, यहां तो वही कहानी है जो पहले थी, तो हमसे डेफिनेटली कह सकते हैं कि पहले जितने इलेक्ट्रिक फील्ड था अभी भी उतना ही है इस जगह पर, मतलब पक्का यहां वी चेंज नहीं होने वाला, क्लियर। चाहो तो तुम इसको कैलकुलेट करके देख लो, कैलकुलेट भी करके देख लेते हैं कि अब तुम अगर अब देखो तो अब अगर मैं बात करूं तो वी1 क्या लिखूंगा, देखना
अब अगर मैं v1 लिखूं तो इसके लिए तो ये सरफेस पे हो गया, तो ये तो आ गया KQYA, क्लियर। इसके लिए माइनस थ्री क्यू के लिए इनर पॉइंट हो गया, तो इसकी वजह से उतना ही होगा जितना इसकी सरफेस पे पोटेंशियल है। तो -3Q की वजह से बन का पोटेंशियल लिखा जाएगा -K3Q/B, क्लियर। B2 अगर मैं लिखूं तो B2 देखो, दोनों B2 जो है 3Q की तो सरफेस पर है, इसके लिए आउटर पॉइंट हो गया, तो सेकंड पॉइंट का पोटेंशियल लिखा जाएगा KQ/B, 3Q की वजह से हो जाएगा -K3Q/B, क्लियर। अब भी अगर तुम V1 माइनस B2 देखो तो देखो इसमें से तो ये गया, अभी भी V1 माइनस B2 कितना आया, KQ/A माइनस KQ/B सेम आया, तो अभी भी हम बोल सकते हैं आंसर जो है वो V ही रहेगा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बोला अ सिलेंड्रिकल स्पेस ऑफ रेडियस कैपिटल R इज फिल्ड विद अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक इंडक्शन B पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर, मतलब अंदर की तरफ इसमें मैग्नेटिक फील्ड ये दे रखा है। इफ V चेंज एट अ कांस्टेंट रेट द ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड विद डिस्टेंस R फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर। बेसिकली इसके अंदर और बाहर हमसे क्या पूछा है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ पूछा है, तो देखना जरा कि भाई ये है हमारे पास वो रीजन जिसमें मैग्नेटिक फील्ड है और इसके चेंज होने की रेट dV/dt जो है वो कांस्टेंट है, क्लियर। तो इसके अंदर अगर मैं यहां कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालू R पर, तो यहां पर क्या ले लो आप, ये एक लूप ले लेता हूं मैं, देखो क्लियर। और हमें पता है कि ये जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जो आने वाला है वो कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर लाइन्स बनाने वाला है, क्लियर। तो इसके लिए अगर मैं लिखूं तो हम बोल सकते हैं कि E.dl से जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा इस पूरे के पूरे लूप में वो हमारे पास d5/dt के इक्वल होगा, क्लियर है क्या, ठीक है। d5/dt को हम बोल सकते हैं एरिया इनटू dv/dt, क्लियर, क्योंकि इस लूप का एरिया चेंज नहीं हो रहा, फिक्स है। तो हम बोलेंगे इसके लिए edl मतलब e इनटू dl, ये 2πr चल गया, साथ में एरिया इसका πr² dv/dt कांस्टेंट दे रखा है, तो तुम साफ साफ देख सकते हो E प्रोपोर्शनल R है कहां, इसके अंदर। अगर मैं आउटर पॉइंट्स की बात करूं तो देखो आउटर पॉइंट्स की अगर मैं बात करूं तो यहां अगर यही चीज लगाई जाए तो मैग्नेटिक फ्लक्स तो केवल इस रीजन में कैपिटल R में, तो यहां अगर लिखा जाए तो क्या लिखा जाएगा, EDL मतलब E इंटू 2πr इक्वल टू एरिया dV/dt, एरिया केवल बोलेंगे, अरे भाई d5/dt में फ्लक्स में चेंज की रेट जो हमें निकालनी है d5/dt, तो उसमें एरिया वो लेते हैं इसमें मैग्नेटिक फील्ड जिस एरिया को क्रॉस कर रहा है, तो एरिया केवल πr² आएगा, तो यह साफ साफ देख सकते हो E प्रोपोर्शनल है 1/r, क्लियर। तो अगर ग्राफ बनाया जाए तो कैपिटल R तक मतलब अंदर अंदर तो ये R के प्रोपोर्शनल है और उसके बाद में R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो ये ग्राफ आएगा हमारे पास इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का R के साथ, क्लियर है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा देखें जरा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखें जरा क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, द टाइम फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ द SHM ऑफ मास m, इस पार्टिकल के लिए स्मॉल m के लिए ऑसिलेशन का टाइम पीरियड हमें कैलकुलेट करना है, तो देखें जरा ये दे रखा है 8k, ये 4k, ये स्मॉल m, कि ये सिस्टम दे रखा है, इसका मैं स्प्रिंग कांस्टेंट मान लेता हूं k1 जो कि 8k दे रखा है, यहां से एक पुली से इस तरह से स्मॉल m सस्पेंड किया हुआ है, ये K2 कांस्टेंट की स्प्रिंग और ये फिक्स्ड है, ठीक है। अभी शुरुआत में मान लेता हूं कि इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में बात करें, ठीक है, तो इक्विलिब्रियम में है तो इसमें टेंशन कितना होगा, T की वैल्यू कितनी होगी, mg, राइट, टेंशन हर जगह कितना होगा, mg के इक्वल होगा, ठीक है, जिसकी वजह से मैं मान लेता हूं K2 में जो एक्सपेंशन आ रखा है वो ऑलरेडी कितना आ रखा है, x02, और इसमें आ रखा है x01, क्लियर। तो यहां इस पॉइंट पर अगर तुम देखो तो इसमें जो फोर्स लग रहा होगा ना K1 x01 वो T को बैलेंस कर रहा होगा, मतलब K1 x01 की वैल्यू T के इक्वल मतलब mg के इक्वल रही होगी। यहां अगर मैं देखूं तो K2 x02 का जो एक्सपेंशन की वजह से जो फोर्स आएगा वो 2T को बैलेंस कर रहा होगा, तो K2 x02 जो है वो तुम्हारा 2mg के इक्वल है, ये तो इनिशियली कंडीशन। अब हमने क्या किया, इसको हल्का सा x नीचे की तरफ डिस्प्लेस कर दिया, जिसकी वजह से इसमें x1 x2
एक्सपेंशन और आ गया और इसमें एक्स वन और आ गया। क्लियर? ठीक है भाई। तो यहां अब जो टेंशन है वो एम जी के इक्वल नहीं होगा, अब कोई नया ही टेंशन आ जाएगा यहां, टी, वो तो इक्विलिब्रियम का लिखा था हमने। क्लियर? अब इस कंडीशन में निकाल ले, क्योंकि बेसिकली एसटीएम के लिए टाइम पीरियड फाइंड कैसे करते हैं कि आप मेन पोजीशन से स्लाइटली डिस्प्लेस करो, फोर्स की इक्वेशन लिखो जो कि एक्स के प्रोपोर्शनल आएगी, उसका जो प्रोपोर्शनली कांस्टेंट है उसे हम फोर्स कांस्टेंट बोल के टी इक्वल टू 2 पाई रूट एम बाई के से टाइम पीरियड निकाल लेते हैं। सेम प्रोसेस में यहां करने वाला हूं, ठीक है? तो ये तो इनिशियली कहानी थी। अब जैसे इसको एक्स डिस्प्लेस किया तो मैंने मान लिया इसमें एक्स वन एक्स का एक्सपेंशन आ गया, इसमें एक्स टू आ गया। क्लियर? यहां अगर मैं बोलूं तो देखना, यहां अगर बोला जाए तो K1 अब इसमें नया एक्सपेंशन कितना हो गया, ये हो गया एक्स नॉट वन प्लस एक्स वन, ये बैलेंस कर रहा होगा इस पॉइंट पर T को। क्लियर? यहां अगर देखा जाए तो इसमें जो फोर्स लग रहा है K2 एक्स नॉट टू प्लस एक्स टू, ये बैलेंस कर रहा होगा 2T को। ठीक है? ठीक है भाई। और अगर अपन देखें कि भाई इसको x नीचे खींचा है तो x x1 और x2 में रिलेशन क्या आएगा, तो जब इसको एक्सपेंशन की बात करें तो यहां से x1 एक्सपेंशन हुआ मतलब x1 स्ट्रिंग रिलीज हुई, इसमें x2 एक्सपेंशन हुआ तो दोनों तरफ से x2 x2 रिलीज हुई, तो टोटल अगर रिलीज स्ट्रिंग की अगर मैं बात करूं तो कितनी हो जाएगा, x1 यहां से 2x2 यहां से, तो x की वैल्यू क्या रही होगी हमारे पास x1 plus 2x2। अब इन रिलेशंस को काम में लेके मैं इन पे क्या करने वाला हूं, नेट फोर्स की इक्वेशन लिखने वाला हूं। ठीक है? तो नेट फोर्स के लिए देखते हैं। तो इस स्मॉल m पे ऊपर लग रहा है t, नीचे लग रहा है mg, x नीचे है तो नेट फोर्स ऊपर की तरफ आया होगा, मतलब t माइनस mg जो है वो हमारे पास नेट फोर्स रहा होगा। ये f नेट जो है इस पे वो x के प्रोपोर्शनल आना चाहिए। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं जरा हल्का सा। तो इसको अगर मैं देखूं तो इसको क्या लिख सकता हूं, K1 X01 की वैल्यू mg प्लस K1 X1 इक्वल टू t, साथ में यहां से लिख सकते हैं K2 X2 मतलब 2mg प्लस K2 X2 इक्वल टू 2t। ठीक है? ये X1 X2 की वैल्यू यहां पुट कर दो तो x इक्वल टू क्या आ गया, X1 की वैल्यू यहां से निकालूं तो ये आ जाएगा t माइनस mg अपॉन K1 प्लस 2, X2 की वैल्यू यहां से निकाले जाए तो ये आ जाएगा 2t माइनस 2mg बाई K2। ठीक है? तो X की वैल्यू आ गई, t माइनस mg ले लो कॉमन, यहां से आ जाएगा 1 अपॉन K1, यहां से आ जाएगा 4 अपॉन K2। ठीक है? अब t माइनस mg जो है वो स्मॉल m के लिए क्या है, f नेट, तो ये f नेट है स्मॉल m पर, तो मैं कह सकता हूं x इक्वल टू एफ नेट 1 अपॉन K1, K1 K2 की वैल्यू रख देते हैं, K1 की वैल्यू है 8K प्लस 4 अपॉन K2 की वैल्यू, K2 की वैल्यू हमारे पास 4K क्वेश्चन में दे रखी है, क्वेश्चन में दे रखी है, देखो K2 की वैल्यू कितनी दी हमें 4K। ठीक है? तो वैल्यू रखते तो K2 की वैल्यू 4K, तो ये क्या बन गया हमारे पास, ये बन गया x इक्वल टू एफ नेट, 4 से 4 गया तो ये बन गया हमारे पास 9y 8K। तो यहां से अगर देखो तो एफ नेट की वैल्यू आ गई 8KY9X। तुम अगर साफ साफ देखो तो नेट फोर्स जो है हमारे पास x के प्रोपोर्शनल आ रहा है, जो कि आना भी चाहिए था। तो टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड हो जाएगा 2π√ m अपॉन फोर्स कॉन्स्टेंट 8K/9, तो टाइम पीरियड आएगा 2π√9m/8K। क्लियर है क्या? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास 2π√9m/8K, सेकंड ऑप्शन जो हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जरा, क्वेश्चन नंबर 16 में बोला है अ पार्टिकल ऑफ मास m वाज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर ऑफ मास कैपिटल m एंड रेडियस कैपिटल r टू इनफिनिटी, द वर्क परफॉर्म्ड बाय एक्शनल एजेंट इन दिस प्रोसेस ऑन द पार्टिकल। क्लियर? कि ये सॉलिड स्फीयर है हमारे पास कैपिटल a रेडियस m मास का, इसके सेंटर से स्मॉल m को इन्फिनिटी पे लेके जाना है, तो कितना वर्क करना पड़ेगा। तो हम बोल सकते हैं
जो हमें वर्क करना पड़ेगा डब्ल्यू एक्सटर्नल वो हो जाएगा हमारे पास फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर? डब्ल्यू कंजर्वेटिव होता तो इनिशियल माइनस फाइनल, डब्ल्यू एक्सटर्नल तो फाइनल माइनस इनिशियल। तो देखो फाइनली इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी तो हो जाएगी जीरो माइनस। इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं तो सेंटर पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी सॉलिड स्फीयर के, माइनस 3/2 जी एम एम वाई कैपिटल आर। तो वर्क डन हो जाएगा प्लस का 3/2 जी एम एम वाई आर, मतलब थर्ड ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, 17 में क्या बोला, द वैल्यूज ऑफ यंग्स एंड बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ अ मटेरियल आर गिवन एज रेस्पेक्टिवली वैल्यूज ऑफ पॉइजन रेशो फॉर द मटेरियल। देखो सीधा सीधा सा रिलेशन है हमारे यहाँ पर कि जो यंग्स मॉडुलस होता है वो होता है 3 × बल्क मॉडुलस 1 − 2 पॉइजन रेशो। सीधा फॉर्मूले में वैल्यू पुट करें, सारी चीजें दे रखी है, तो यहां से पॉइजन रेशो की वैल्यू आ जाएगी 0.37। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जरा, क्वेश्चन नंबर 18 में बोला है, इन द सर्किट सोन स्विच इज कनेक्टेड टू वन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट टी इक्वल टू जीरो स्विच इज शिफ्टेड टू वन टू सेकंड पोजीशन द करंट इन द सर्किट आफ्टर टाइम गैप ऑफ एल बाय आर। तो बेसिकली इंडक्टर जो है उसका नेचर होता है कि वो जब भी इसमें से करंट पास होता है ना तो उसमें चेंज का अपोज करता है। क्लियर है कि चेंज का, अगर सेम करंट, अगर करंट चेंज नहीं हो रहा है तो वो अपोज नहीं करेगा, शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। क्लियर? तो ये हमारे पास एक एल इंडक्टर ले लिया जिसको हमने आर से कनेक्ट किया, साथ में ये स्विच और ये लगा दिया ई ई में। जैसे ही इसको कनेक्ट करूंगा तो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, करंट फ्लो होने नहीं देगा, बट काफी लंबे टाइम के बाद में ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करने लग जाएगा और इसमें मैक्सिमम करंट ई वाई आर फ्लो होता रहेगा। अब यहां अगर मैं देखूं तो बोला है वेरी लॉन्ग टाइम के लिए वन कंडीशन में रहा, मतलब ये दोनों शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करने लग गए, तो इस सर्किट में करंट फ्लो हो रहा था ई वाई आर। अब जब 1 से 2 में इसको कनेक्ट कर दूंगा तो अब इस सर्किट में जैसे ही 1 से 2 में कनेक्ट किया है तभी करंट फ्लो हो रहा है ई बाई आर। अब ये जो है इसमें से अगर तुम ध्यान से देखो तो एल आर में से मैक्सिमम करंट ई बाई आर आ सकता है और यहां फ्लो भी ई बाई आर हो रहा है, तो चेंज करा के जबरदस्ती क्यों पंगा करेगा। क्लियर है क्या कि इसमें मैक्सिमम फ्लो होना चाह, मैक्सिमम फ्लो हो रहा है तो मैक्सिमम फ्लो होते टाइम पे शॉर्ट सर्किट की तरह वेव करता है, तो शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में इसमें ई बाई आर आया कि भाई 2 में शिफ्ट किया उसे जस्ट पहले भी ई वाई आर था, 2 में शिफ्ट किया उसके जस्ट बाद में भी ई वाई आर है इसमें, तो डेफिनेटली चेंज नहीं करना चाहेगा। क्लियर है क्या? तो इन्फिनिटी वाली कंडीशन में हो गया तो शुरू में, इन्फिनिटी वाली कंडीशन में हो गया शुरू में मतलब शॉर्ट सर्किट की तरह वेव करता रहेगा, तो शुरू में भी करंट ई वाई आर, एल वाई आर पर भी ई वाई आर, कंटिन्यू ई वाई आर ही इसमें मेंटेन रह जाएगा। कुल मिला के इस क्वेश्चन में क्या है कि ये जो सेकंड सिचुएशन में जैसे तुम इसे लगाओगे ना उससे पहले ही फर्स्ट सिचुएशन में ये शॉर्ट सर्किट की कंडीशन अचीव कर चुका है, 2 में लगाओगे तब भी उतना ही करंट फ्लो हो रहा है जितना मैक्सिमम ये करा सकता था, तो अब भी शॉर्ट सर्किट की तरह ही एक्ट करता रहेगा, तो करंट ई बाई आर होगा t इक्वल टू 0 सेकंड पर ही, आगे भी रहेगा ई बाई आर। क्लियर? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 18 देखें, 19 में क्या बोला, इन अ कॉमन इमिटर एम्पलीफायर हैविंग अ वोल्टेज गेन जी1 नहीं बेसिकली जी है ये, द ट्रांजिस्टर यूज ट्रांसकंडक्टेंस 0.03 mho एंड द करंट गेन 25। इफ द ट्रांजिस्टर इज रिप्लेस्ड विद अनदर वन विद द ट्रांसकंडक्टेंस 0.02 mho एंड द करंट गेन 20 द वोल्टेज गेन विल बी। ये फर्स्ट के लिए वोल्टेज गेन जी है तो सेकंड के लिए वोल्टेज गेन पूछा है, तो देखो वोल्टेज गेन जो है ना हमारे पास उसको हम लिख सकते हैं वी आउट अपॉन वी इन, या बोल दो आई आउट इंटू आर लोड अपॉन वी इन। ये आई आउट अपॉन वी इन ये है हमारे पास ट्रांसकंडक्टेंस, तो जी की वैल्यू आ गई हमारे पास ट्रांसकंडक्टेंस, इसको जीएम नाम दे दो, इनटू आरएल, तो तुम साफ साफ दे सकते हो जी इज प्रोपोर्शनल टू जीएम। क्लियर? तो हम बोल सकते हैं नया वाला जी टू जो होगा और पहले वाले जी का रेशो हो जाएगा, ये रेशो हो जाएगा हमारे पास जब ये प्रोपोर्शनल है, तो हम बोल सकते हैं कि G2 अपॉन G हो जाएगा हमारे पास GM2 अपॉन GM1। क्लियर? तो वैल्यू रख दो, तो यहां से देखो G2 निकालना है, G इनिशियल था, GM2 है हमारे पास फाइनल वाले ट्रांसकंडक्शन है 0.02, इनिशियल था 0.03, तो G2 की वैल्यू क्या आ गई, नया वाला G आ गया हमारे पास 2/3G। क्लियर? 2/3G मतलब हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 देखें जरा, 20
इन अ मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट द रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टेंस बॉक्स 16 ओम व्हिच इज इंसर्टेड इन द राइट गैप, राइट गैप में रखा गया है, द नल पॉइंट इज ऑब्टेन एट 36 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड, द लीस्ट काउंट ऑफ मीटर स्केल इज हाफ एमएम, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। ठीक है कि ये हमारे पास एक मीटर ब्रिज जहां पर ये जो रेजिस्टेंस लगा रखा है वो 16 ओम है रेजिस्टेंस बॉक्स का, क्लियर। बैलेंस लेंथ जो ली गई है यहां से एल, तो इधर से हो जाएगी हमारे पास कितनी 1 माइनस एल, क्योंकि मीटर ब्रिज 1 मीटर लेंथ होती है, क्लियर। इसका अननोन रेजिस्टेंस निकालना, तो हमें पता है बैलेंस कंडीशन में अगर मैं बात करूं तो बैलेंस कंडीशन में व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह बिहेव कर रहा है, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह, तो हम बोल सकते हैं आर अपॉन एल इक्वल टू होगा 16 अपॉन 1 माइनस एल के, क्लियर। तो यहां से आर की वैल्यू क्या आ गई, आर की वैल्यू आ गई एल अपॉन 1 माइनस एल 16। अब वैल्यू रख दो आर की, एल की वैल्यू जो हमें दे रखी है बैलेंस लेंथ की वो दे रखी है 36 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा हमारे पास आर इक्वल टू 36 अपॉन सेंटीमीटर अपॉन 100 सेंटीमीटर माइनस 36 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा हमारे पास 64 सेंटीमीटर इंटू 16, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 9 ओम। तो जो अननोन रेजिस्टेंस जो वो एक तो हमारे पास 9 होगा, साथ में उसके मेजरमेंट में एरर भी हमको बतानी है कितनी है, तो वो भी देखें जरा। कि भाई जो रेजिस्टेंस जो है हमारे पास अननोन रेजिस्टेंस आर वो क्या आया हमारे पास एल अपॉन 1 माइनस एल इंटू 16, क्लियर। इसका एल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देते हैं, तो डी आर बाई डी एल की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 16, ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस एल माइनस एल प्लस एल अपॉन 1 माइनस एल का होल स्क्वायर, बस डिफरेंशिएशन किया है मैंने, तो डी आर की वैल्यू आ गई यहां से 16 1 माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू डी एल, क्लियर। तो डी आर आ गया 16 1 माइनस एल की वैल्यू हमारे पास 36 सेंटीमीटर तो 0.36 मीटर का होल स्क्वायर इंटू डी एल की वैल्यू रखी है हाफ एम एम, तो हाफ 10 टू द पावर माइनस 3, क्लियर। तो यहां से डी आर की वैल्यू इजीली कैलकुलेट की जा सकती है, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5/256 ओम, क्लियर। तो रेजिस्टेंस है 9 ओम, एरर आई हमारे पास 5/256 ओम की, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सेकंड ऑप्शन। तो ये हमारा सेक्शन ए जो है वो कंप्लीट हुआ, अब हम बढ़ते हैं सेक्शन डी की तरफ, इंटीजर टाइप क्वेश्चन की तरफ। तो सेक्शन डी का फर्स्ट क्वेश्चन देखें जरा, अ पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर इज चार्ज टू 100 वोल्ट एंड इज देन कनेक्टेड टू एन आइडेंटिकल कैपेसिटर इन पैरेलल, द सेकंड कैपेसिटर हैज सम डाइइलेक्ट्रिक बिटवीन इट्स प्लेट, इफ द कॉमन पोटेंशियल इज 20 वोल्ट द डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम इज। तो देखो इसका रिलेशन कि भाई ये हमारे पास एक C1 कैपेसिटर जिसका चार्ज है वोल्टेज है V1, एक और C2 कैपेसिटेंस का जिसमें वोल्टेज है V2, और उनको अगर सेम पोलैरिटी में अगर हम कनेक्ट करें, जस्ट डिफरेंट पोलैरिटी में कनेक्ट करें, तो कॉमन पोटेंशियल आता है हमारे पास C1V1 प्लस माइनस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। अगर सेम पोलैरिटी में कनेक्ट करें तो प्लस ले लेंगे, अपोजिट में कर रहे तो माइनस, क्लियर है क्या। अब यहां क्या बोला है क्वेश्चन समझना, ये फॉर्मूला बेसिकली हम काम में ले सकते हैं, कि यहां क्या बोला है कि पहले जो था सी का जिसपे था 100 वोल्ट, अब इसको एक डाइइलेक्ट्रिक के से भरे हुए सेम आइडेंटिकल कैपेसिटर के साथ कनेक्ट किया है, तो अगर आइडेंटिकल कैपेसिटर है तो कैपेसिटेंस है सी, उसमें डाइइलेक्ट्रिक भी बढ़ जाए तो कैपेसिटेंस हो जाएगी के सी, इसके साथ कनेक्ट कर दिया। अब दूसरा वाला न्यूट्रल था, क्लियर है, तो B2 वाला मुद्दा तो खत्म, इसको तो हटा दो वाली यहां से, केवल ये बचा, तो हम बोल सकते हैं कॉमन पोटेंशियल वो कितना हो जाएगा C1V1 अपॉन C1 प्लस C2, क्लियर है क्या। तो कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू रखिए 20, C1 की वैल्यू C, V1 की वैल्यू 100 वोल्ट, C1 की वैल्यू C, C2 की वैल्यू KC, तो यहां से K को हम इजीली निकाल सकते हैं, तो ये आ गया हमारे पास 1 + K = 5, तो K की वैल्यू आ गई यहां पर 4, मतलब डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो दूसरे कैपेसिटर में जो भरा है उसकी वैल्यू रही होगी 4, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर टू देखना जरा, क्या बोला है, वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक्स ए बी एंड पुली P2 आर शोन इन द फिगर, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक सी, सी की वेलोसिटी निकालनी है। तो हमें यहाँ पर मूविंग पुली है, मूविंग पुली का हमें रिलेशन पता है कि ये पुली अगर ऊपर जा रही है VP से, और इधर ये 1, ये 2, ये ऊपर जा रहा है V1 से, ये जा रहा है ऊपर V2 से, तो VP की वैल्यू होती है V1 + V2 / 2, क्लियर, वेक्टर्स एडिशन के साथ। तो इसी रिलेशन को काम में लेके हम इजीली सी की वेलोसिटी निकाल सकते हैं,
तो देखें जरा, तो देखो पहले इस पे लगाते हैं, इस पे अगर मैं लगाऊं तो देखो ये ऊपर जा रहा है 10 से 20 से नीचे आ रहा है, तो इस पुली का ऊपर की तरफ वेलोसिटी आ गई VP1, तो VP1 की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ये नीचे आ रहा है तो माइनस का 20, ये ऊपर जा रहा है तो प्लस का 10/2, तो ये आ गया -10/2 मतलब -5 मतलब नीचे, तो पुली की VP1 जो ये पुली जो है वो 5 मीटर पर सेकेंड से नीचे जाएगी। अब इसके लिए बात करते हैं, तो इसके लिए अगर बात करें तो BP2 इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, तो देखो BP2 की वैल्यू कितनी है, ऊपर है 10, तो प्लस का 10 इक्वल टू इसकी वेलोसिटी जो कि नीचे -5 प्लस इसकी वेलोसिटी VC/2, अपने आप आ जाएगा VC डायरेक्शन के साथ, तो ये आ गया हमारे पास VC की वैल्यू आ गई प्लस का 25, मतलब C जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा होगा 25 मीटर पर सेकेंड से, तो इसका आंसर हो जाएगा 25। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखें। बोला पावर ऑफ 100 वॉट इज इमिटेड बाय अ स्मॉल लाउड स्पीकर, द साउंड इंटेंसिटी रेडिएटेड बाय इट एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर इज 2 वॉट पर मीटर स्क्वायर, इफ द पावर ऑफ द लाउड स्पीकर इज डबल एंड देन द इंटेंसिटी एट 6 मीटर। ठीक है कि भाई ये हमारे पास एक लाउड स्पीकर हो गया जिसकी पावर है P, क्लियर, इससे किसी भी r डिस्टेंस पे अगर मैं इंटेंसिटी लिखूं तो I की वैल्यू लिखी जा सकती है P/4πr², क्लियर। अब इसने क्या बोला है कि बोला है कि भाई पहले पावर जो थी वो थी हमारे पास 10 वॉट, तो R इक्वल टू 3 मीटर पर इंटेंसिटी जो हमें मिली है ना वो मिली है 2 वॉट पर मीटर स्क्वायर, क्लियर। अब क्या किया, पावर को तो कर दिया डबल, पावर को तो क्या कर दिया डबल, और 6 मीटर पे पूछा है तो R को भी इसने डबल किया, अब बोला इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, तो देखो पावर को डबल करेंगे तो ऊपर 2 से मल्टीपल कर दो, R को डबल करेंगे तो नीचे 1/4 से डिवाइड कर दो, क्लियर है क्या, क्योंकि 2R का होल स्क्वायर या 4 आ जाएगा फैक्टर, तो नेट इफेक्टिव रिजल्ट जो है वो कितना हो जाएगा पहले वाले का 1/2, मतलब 3 मीटर पे पहले 2 था तो अब कितना हो जाएगा 2 का भी हाफ मतलब 1 वॉट पर मीटर स्क्वायर, तो 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखें, द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास एंड स्पीड आर 2% and 3% रेस्पेक्टिवली, हाउ मच विल बी द मैक्सिमम एरर इन द एस्टिमेट काइनेटिक एनर्जी ऑब्टेन बाय मेजरिंग मास एंड स्पीड, क्लियर। तो देखो परसेंटेज मास में परसेंटेज एरर है 2, स्पीड में परसेंटेज एरर है 3, हमें पता है काइनेटिक एनर्जी होती है हमारे पास ½mv², तो आप लिख सकते हो परसेंटेज के इक्वल टू परसेंटेज एम प्लस 2 × परसेंटेज वी, वैल्यू रख दो 2 + 3 × 2 = 6, तो 8% जो है हमारे पास मैक्सिमम एरर आएगी हमारे पास काइनेटिक एनर्जी के मेजरमेंट में। लास्ट क्वेश्चन देखें जरा पेपर का, हाँ भाई एसी का क्वेश्चन है, बोला है अ कैपेसिटर एंड रेजिस्टर आर कनेक्टेड विद एन एसी सोर्स एज ऑन द फिगर, रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर X = 3 ओम दे रखी है, रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर इज 4 ओम, फेज डिफरेंस बिटवीन करंट I and I1, क्लियर है क्या। तो देखो कैपेसिटर जो होता है ना वो क्या करता है, कैपेसिटर में और रेजिस्टर में क्या डिफरेंस है कि रेजिस्टेंस में तो करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेज में होते हैं, बट कैपेसिटर में क्या होता है, कैपेसिटर में जो वोल्टेज जो होता है वो करंट से 90 डिग्री लैग करता है, क्लियर है क्या, मतलब करंट जो है वो वोल्टेज से 90 डिग्री आगे होता है। अब देखना जरा यहां, तो यहां अगर मैं बात करूं तो पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो दोनों के लिए वोल्टेज तो सेम होगा, तो वोल्टेज को मैं मान लेता हूं रेफरेंस, क्लियर। तो देखो रेजिस्टेंस I1 की अगर बात करूं तो I1 हो गया किसमें, रेजिस्टेंस में, तो रेजिस्टेंस में करंट क्या लिखा जाएगा, तो रेजिस्टेंस में इधर आएगा IR, IR की वैल्यू इधर आएगी कितनी, वोल्टेज V/resistance 4 ओम, क्लियर, किस तरह का फंक्शन आएगा। ठीक है कैपेसिटर के लिए बात करें तो कैपेसिटर में ये जो वोल्टेज जो है इससे करंट 90 डिग्री ऊपर होगा, तो इधर आएगा IC, IC की वैल्यू हो जाएगी V/XC, XC की वैल्यू रखिए 3, तो इनका रिजल्टेंट इधर कहीं आएगा INET, क्लियर, INET जो कि दे रखा है इसने I, तो INET का I1 से एंगल पूछा, INET का I1 से एंगल, तो ये एंगल हमें निकालना अल्फा, तो आप साफ साफ बोल सकते हो tan अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी V/3/V/4 मतलब 4/3, तो अल्फा यहां पर 53 डिग्री रहा होगा, तो एंगल इसने डिग्री में पूछा तो वो हो जाएगा 53। तो ये हमारा डिस्कशन कंप्लीट हुआ, ठीक है, सभी बच्चे अच्छे से पढ़ते रहें, सभी को अपने अपने फ्यूचर के लिए गुड लक, थैंक यू।